बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के लेक्चर में हम बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं ICS पार्ट 2 की बुक को। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सिर्फ एक बुक को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली तमाम इंटर कंप्यूटर साइंस की बुक को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जितनी भी इंटर कंप्यूटर साइंस की बुक्स हैं, चाहे वो सिम बोर्ड बुक्स हो, चाहे वो पंजाब टेक्स्ट बुक हो, तमाम बुक्स जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा हिस्सा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और दोस्तों, कुछ बुक्स के अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पहले पढ़ाया गया है और कुछ बुक्स के अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, लेकिन तमाम बुक्स के अंदर टॉपिक्स तकरीबन एक जैसे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम जिस तरतीब में आपको लेकर चलेंगे उसके अंदर हम पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की डिटेल्स आपसे कवर करेंगे, यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उनको पहले कवर करेंगे, उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आइए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी बुक के चैप्टर नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। और आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इनमें जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाई वी लर्न लैंग्वेजेस, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और हमें क्यों जरूरत पड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने की। के बाद हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग प्रोसेस को, यानी प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को, यानी एक प्रोग्राम को बनाने से पहले प्रोग्रामर को किन किन चीजों को फेस करना पड़ता है। उसको सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है, उसके बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है, फिर उस सॉल्यूशन को कोड में तब्दील करना होता है और वो कोड दरअसल किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस करता है। उसके बाद उस कोड को टेस्ट किया जाता है कि आया उसके अंदर किसी किस्म का कोई एरर तो मौजूद नहीं है, और फिर हम चेक करेंगे, फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ एरर एक प्रोग्रामर को फेस करने पड़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, तीन टाइप्स ऑफ एरर की हम डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे, लॉजिकल एरर, सिंटेक्स एरर और रन टाइम एरर। जब आपका कोड एरर फ्री हो जाता है उसके बाद प्रोग्रामर को डीबगिंग और डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद उस पूरे प्रोग्राम को, उस पूरे सॉफ्टवेयर को किसी न किसी कंपनी के हवाले कर दिया जाता है। और दोस्तों, इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो है लो लेवल लैंग्वेज वर्सेस हाई लेवल लैंग्वेज। अभी तक आपने बहुत दफा सुना होगा कि ये लो लेवल लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, तो हम आपको बताएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कब आपको लो लेवल लैंग्वेज यूज करनी है, कब आपको हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज करनी है। इसके बाद दोस्तों, हम आपको इंस्ट्रक्शन टाइप्स बताएंगे, यानी एक प्रोग्राम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पर मुश्तमिल होता है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, तो उन स्टेटमेंट्स की डिटेल हम आपको बताएंगे। कुछ इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स होंगी, कुछ प्रोसेसिंग स्टेटमेंट्स होंगी, तो उन तमाम स्टेटमेंट्स की डिटेल हम आपसे शेयर करेंगे। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि अभी तक कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप हो चुकी है और उन सबका थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपसे डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये वो तमाम टॉपिक हैं जो कि हम इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपसे डिस्कस करने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम बाकायदा आगाज करेंगे टॉपिक नंबर 1 व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एंड व्हाई वी लर्न लैंग्वेजेस का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।